अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ज़ियाना। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक डिफरेंट सी रेसिपी, टेस्टी एंड डिलीशियस बटर चिकन। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बटर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया है। हम इसमें सबसे पहले नमक ऐड करेंगे अपने जायके के हिसाब से, काली मिर्च हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टी स्पून हम इसमें मिलाएंगे। हम इसमें धनिया पाउडर 1 टी स्पून मिला रहे हैं, हल्दी पाउडर 1 टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, यहाँ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दिए, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। हम इसमें मिलाएंगे नींबू का रस 1 टीस्पून, हम इसमें नींबू का रस मिलाएंगे। चिकन इससे बहुत ही चटपटा होगा। हम इसमें मिला रहे हैं दही 2 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें हम कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और चिकन के पीसेस को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसे कवर करके 5 मिनट रखेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। 4 से 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से तैयार है तो हम इसे शेडेड कर लेते हैं। शेडेड किए हुए चिकन को हम एक बॉल में निकाल लेंगे, इस तरीके से हम बना कर रख लेंगे। हमें इसकी बाद में ज़रूरत है। हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं बटर चिकन के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 प्याज लिया जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है, 5 टमाटर इसको भी हम रफली चॉप कर लेंगे। हमें इसे बारीक नहीं काटना है, रफली चॉप करके रख लेंगे। ये देखिए प्याज और टमाटर को हमने चॉप करके रख लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई जैसे ही हीट हो जाए तो हम इसमें 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। हम इसमें 1 कप तकरीबन पानी मिला रहे हैं। पानी मिलाने के बाद हम इसमें रफली चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, तकरीबन 2 प्याज है ये, 5 टमाटर जिसको हमने स्लाइस में रफली चॉप कर लिया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 3 बड़े अदरक के टुकड़े हम इसमें मिला रहे हैं, लौंग 7, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता और 1 स्टिक, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून हम इसमें मिलाएंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। हम इसमें 6 हरी मिर्च ऐड करेंगे, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। बटर 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में भाप देना है ताकि टमाटर ये सब अच्छे से गल जाए, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये मैं इसे मीडियम फ्लेम में पकने के लिए रख दी हूँ। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर काफ़ी अच्छी तरीके से गल चुका है, बाकी सब्ज़ियाँ वो भी गल चुकी हैं। तो हम इसे ठंडा कर लेंगे और मिक्सी का जार लेकर हम इसमें इसको ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी के जार में ऐड करने के बाद हम इसे स्मूथली पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है। हमारा बटर चिकन का जो ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है, स्मूथली पेस्ट बनकर रेडी है। तो चलिए हम इसे भून लेते हैं। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर। इसमें तड़का देने के लिए थोड़ा सा हम धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून ऐड करेंगे, हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, बस आँच लग जाए उसके बाद हम इसे
ग्राइंड किया हुआ पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें मिला दिए हैं। हम इसमें ऐड करेंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, और अच्छी तरीके से इसे स्टैर कर लेंगे, चला लेंगे। 2 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा 1 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बटर चिकन का। हम इसमें मिला रहे हैं क्रीम, ये फ्रेश क्रीम है, आप चाहें तो मार्केट से भी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें क्रीम ऐड किया है। हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, रोस्टेड कसूरी मेथी है, और थोड़ा सा मीठा टेस्ट करने के लिए हम इसमें हनी डाल रहे हैं, शहद, आप चाहें तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 सेकंड पकाने के बाद हम शेडेड किए हुए चिकन इसमें ऐड कर देंगे, और फाइनली हम इसमें बटर ऐड करेंगे, क्रीम से गार्निश करेंगे। हमारा बटर चिकन तो तैयार है, पर हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर बीच में एक छोटी सी कटोरी रखी है, उसमें हमने पहले से ही कोयला जला कर रखा हुआ था, रेडी किया हुआ था, उसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करके इसे कवर कर देंगे, ताकि स्मोकी फ्लेवर जो इसमें बटर चिकन में आ जाए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सिंपल इजी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखें।